फ्रेंड्स वेलकम टू चैनल अरिका। आज इस वीडियो पे हम स्पाइडर प्लांट के बारे में बात करेंगे। स्पाइडर प्लांट सबसे खूबसूरत इंडोर हाउस प्लांट में से एक है, यहाँ तक कि इसे बिना अतिरिक्त देखभाल के ही आसानी से कहीं भी रखा जा सकता है। स्पाइडर प्लांट देखने में खूबसूरत तो लगता है, साथ ही साथ यह एक अच्छा एयर प्योरीफायर की भी काम करता है। यह एक ऐसा पौधा है जिसे घर के किसी भी कोने में सजाकर रखा जा सकता है और ये घर की शोभा बढ़ा देता है। इस पौधे में लंबी संकरी पत्तियां होती हैं जो गमले के किनारे पर लिपटी होती हैं, जो वास्तव में बेहद खूबसूरत नजर आती हैं। बात करते हैं स्पाइडर प्लांट के बेनिफिट्स के बारे में। स्पाइडर प्लांट को घर पर लगाने से हवा शुद्ध होती है, के एयर प्यूरीफायर की तरह काम करता है। हवा में मौजूद टोलुइन, कार्बन मोनोक्साइड, जाइलीन, फॉर्मल्डिहाइड को हटाने में मदद करते हैं। घर में स्पाइडर प्लांट रहने से तनाव का हार्मोन कम होता है। ये प्लांट न केवल वास्तु में बल्कि ज्योति और फेंगशुई में भी भाग्यशाली और शुभ माना जाता है, लेकिन कई बार इस पौधे की देखभाल में अनदेखा कर देने से खराब हो सकता है और ये पौधा समय से पहले ही मर सकता है। खासतौर पर गर्मी के मौसम में इसको थोड़ी सी देखभाल की ज़रूरत होती है। आइए जानेंगे किस तरह से गर्मी के मौसम में इस पौधे की केयर की जा सकती है जिससे इसकी खूबसूरती बनी रहे और किस तरह से हम नए प्लांट ग्रो कर सकते हैं। स्पाइडर प्लांट की मुख्य समस्याओं में एक है इसमें ज़्यादा पानी की मात्रा की वजह से इसकी पत्तियों का भूरा या पीला होना। आपके स्पाइडर प्लांट पर भूरे रंग के पत्ते एक संकेत हो सकते हैं कि आप अधिक पानी दे रहे हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि गर्मी के मौसम में मिट्टी को बहुत अधिक समय तक सूखने ना दें, लेकिन जड़ों में जल भराव न होने दें। स्पाइडर प्लांट को बहुत अधिक धूप की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये घर के भीतर भी अच्छी तरह से पनप सकते हैं। गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि स्पाइडर प्लांट धूप में न रखा जाए। स्पाइडर प्लांट खिड़कियों में भी पनप सकते हैं। अपने स्पाइडर प्लांट को हमेशा ओवर वाटरिंग से बचाएं। ज़्यादा ओवर वाटरिंग होने से इसकी जड़ें सड़ सकती हैं और ये मर सकता है। इसमें कभी भी सीधे नल का पानी ना दें, इसमें आरओ या बिस्लरी का पानी दें या बारिश के पानी से इसकी सिंचाई करें। बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म पानी ना दें, इसे सामान्य तापमान का पानी देना ही ठीक है। पानी को कमरे के तापमान पर रखा जाना चाहिए क्योंकि ठंडा या गर्म पानी आपके पौधों को ख़राब कर सकता है और उन्हें कमज़ोर कर सकता है। अब ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, धूप के वजह से इसके जो पत्ते हैं वो ख़राब हो गए हैं। इस प्लांट की थोड़ी सी देखभाल करने से ये एक सुंदर सा प्लांट हो जाएगा और इसको आप शेड एरिया में रखना है। सबसे पहले जो पत्ते खराब हो गए हैं उन्हें निकाल देना ही बेहतर है, वरना प्लांट खूबसूरत नहीं लगेगा और खराब पत्तों के वजह से आपका प्लांट सड़ने भी लगेगा। अगर आप अपने स्पाइडर प्लांट में ब्राउन या डेड पत्तियों के सिरे देखते हैं तो उन्हें हटा दें। टिप को या पत्तियों को कैंची की मदद से काट दें ताकि पौधे की एनर्जी को हेल्दी पत्तियों को उगाने में लगाया जा सके। अब देखिए पत्तों को काट लेने के बाद अब ये प्लांट कितना खूबसूरत लग रहा है। आइए अब हम बात करते हैं कि अगर आप समर में स्पाइडर प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं तो कैसे ग्रो करा सकते हैं।
वैसे तो स्पाइडर प्लांट को हम रूट्स को अलग करके भी लगा सकते हैं, बीज से भी लगा सकते हैं, और इसके टिप में जो नए प्लांट्स आते हैं उसमें थोड़ी सी नमी होने से रूट्स अपने आप ही निकल आते हैं। अगर आप समर में स्पाइडर प्लांट लगाना चाहते हैं तो प्लांट के टिप में जो नए प्लांट्स आते हैं उनको आप एक गमले में मिट्टी के ऊपर हल्के से रख लें, इससे रूट्स अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। और बाद में आप मदर प्लांट के टिप को काट दें। ऐसा करने से प्लांट 100% ग्रो करेगा, क्योंकि जब तक बेबी प्लांट में रूट्स नहीं आ जाते तब तक बेबी प्लांट को मदर प्लांट से न्यूट्रिएंट्स मिलता रहेगा। इस तरह से लगाने से प्लांट मरने का चांस ही नहीं रहता है। अब बात करते हैं स्पाइडर प्लांट को कैसी मिट्टी पसंद है। ये प्लांट डिफरेंट टाइप के मिट्टी में उग सकते हैं, लेकिन वे तेज जल निकासी वाली ढीली मिट्टी पसंद करते हैं। इस प्लांट को पार्शियल सनलाइट बहुत पसंद है। मैं यहाँ पे इस तरह से कट करके प्लांट को लगा रही हूँ। ऐसे लगाने से भी प्लांट में रूट्स जल्दी आ जाते हैं, 10-20 दिन में रूट्स आराम से आ जाएंगे। जो बेबी प्लांट्स को मैंने काट के रखा है उसको मैं अच्छी तरह से धो रही हूँ। इसको अच्छे से धोकर मैं मिट्टी में लगा दूंगी। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लांट लग जाने के बाद अब इसको हम शेडी एरिया में रख लेंगे।